नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड हमारे फोर्स पर्सनल के लिए और पीएमएसपी और डीएसपी अकाउंट के अंदर दी जाने वाली इंश्योरेंस पॉलिसी को डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कैसे क्लेम किया जाए, इस वीडियो के अंदर कवरअप करने की कोशिश करेंगे। 2018 के आरबीआई आंकड़ों के अनुसार हमारे देश के फोर्स पर्सनल के लगभग 80% अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कवरअप किए जाते हैं और उनमें से 90% बैंक अकाउंट पीएमएसपी और डीएसपी अकाउंट जैसी बेस्ट अकाउंट फैसिलिटी के अंदर क्लेम होते हैं। लेकिन इसके इतना होने के बावजूद भी लगभग 60% इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे फोर्स पर्सनल द्वारा क्लेम नहीं की जाती डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताने की कोशिश करूंगा कि इन इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपके फैमिली मेंबर डायरेक्टली इन इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्लेम कर सके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे फोर्स पर्सनल को दो तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर अप किया है। फर्स्ट जिसमें आता है एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस, जिसमें फोर्स पर्सनल की फैमिली डायरेक्टली 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस एसबीआई से क्लेम कर सकते हैं। और एसबीआई ने दूसरी पॉलिसी एयर ट्रेवल डेथ इंश्योरेंस दी है, जिसमें उनके फोर्स पर्सनल के फैमिली मेंबर पूरा 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सीडेंटल डेथ को इन क्राइटेरिया के अंदर कवरअप किया जाता है, जिसमें अगर किसी फोर्स पर्सनल की डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, यानी किसी व्हीकल के दौरान गाड़ी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त अगर फोर्स पर्सनल की डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली मेंबर डायरेक्टली 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। अगर एलओसी पर ड्यूटी देते वक्त हमारे क्रॉस फायरिंग के अंदर किसी फोर्स पर्सनल शहीद हो जाता है तो उसके अंदर भी उनकी फैमिली डायरेक्टली 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कवर कर सकते हैं। हमारा फोर्स पर्सनल कहीं नक्सलाइट एरिया में तैनात है और क्लोज फायरिंग के दौरान अगर उधर डेथ हो जाती है तो इसके अंदर भी उनकी फैमिली डायरेक्टली 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कवर अप कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान अगर हमारे किसी फोर्स पर्सनल की ट्रेनिंग के दौरान अगर डेथ हो जाती है तो इसके अंदर भी उनके फैमिली मेंबर डायरेक्टली 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कवर कर सकते हैं। ये चार टाइप की जो डेथ इन्होंने कैटेगराइज की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, और इसके अंदर मेनली एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है कि आपका बैंक अकाउंट पीएमएसपी या डीएसपी अकाउंट के अंदर कवर अप होना जरूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक किसी फोर्स पर्सनल ने अपना अकाउंट पीएमएसपी या डीएसपी के अंदर कन्वर्ट नहीं करवाया है तो सिर्फ एक सर्विस सर्टिफिकेट को आप देकर आपका पूरा अकाउंट को पीएमएसपी और डीएसपी अकाउंट के अंदर कवर अप कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे फोर्स पर्सनल को एयर ट्रेवल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से भी कवर अप दिया है। इसकी मेन फैसिलिटी है कि अगर एयर ट्रेवलिंग के दौरान अगर एक्सीडेंट की वजह से हमारे फोर्स पर्सनल की डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली डायरेक्टली पूरे 1 करोड़ रुपए का, दोस्तों याद रखिएगा, पूरे 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है, वह आप 100% याद रखिएगा, क्योंकि इसी कंडीशन की वजह से न होने से वो क्लेम नहीं हो पाता। जब भी हमारा फोर्स पर्सनल या आप कभी भी एयर से ट्रेवल करते हैं तो जब भी आप ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हैं तो वो ऑनलाइन टिकट आपके उसी एटीएम या डेबिट कार्ड से होनी चाहिए जो आपके पीएमएसपी या डीएसपी अकाउंट पर आपको मिला होगा। यानी कि आप लोग जानते हैं, जब भी आपको एटीएम या डेबिट कार्ड मिलता है डीएसपी अकाउंट के अंदर उसके ऊपर तारबंदी टाइप की लगी हुई है और तलवार का निशान आपको उस एटीएम पे मिल जाएगा। और अगर पीएमएसपी अकाउंट के अंदर है तो जो बीएसएफ का बॉर्डर का जो लोगो हुआ उस एटीएम या डेबिट कार्ड के ऊपर दिखाई दे जाएगा। इसी इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए मैं दोस्तों यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जब भी आप एयर से ट्रैवल करते हैं तो जो आप उसको ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं यह टिकट ऑनलाइन बुक्ड होनी चाहिए और जो आपका पीएमएसपी या डीएसपी अकाउंट पर जो आपका डेबिट या एटीएम कार्ड है उसी से यह टिकट बुक होनी चाहिए, तभी आपकी फैमिली 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस क्लेम कर सकती है। तो दोस्तों ये मैन जो दो इंश्योरेंस थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डायरेक्टली विदाउट एनी कॉस्ट आपको या पीएमएसपी या डीएसपी अकाउंट होल्डर को दे रखी है, लेकिन इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप 100% याद रखिए और आज ही आपका अकाउंट पीएमएसपी और डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए। और अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट मिल जाएगी,
www.digitalhelper.in, उसको ओपन करके भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दी जाने वाली गाइडलाइंस को आप पढ़कर, और जब भी आप किसी इंश्योरेंस से कवर अप होते हैं, मैं 100% आपको सजेस्ट करूंगा कि उस इंश्योरेंस के बारे में आपकी फैमिली मेंबर को जरूर बताइए कि मेरा ये इंश्योरेंस है, इस टाइप का इंश्योरेंस है, क्योंकि हमारे देश के लगभग 80% इंश्योरेंस ऐसे हैं कि सिर्फ उसी को पता रहता है जिसने वो इंश्योरेंस करवाया है। यानी अगर मैंने इंश्योरेंस करवाया तो सिर्फ मेरे को ही पता है कि मेरा इंश्योरेंस है, और हमारे जाने के बाद हमारे फैमिली मेंबर को यही पता नहीं रहता कि इसका इंश्योरेंस था या नहीं था, और इस वजह से वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो पाते और पूरा का पूरा इंश्योरेंस रद्दी खाते में चला जाता है। जब भी आप किसी भी इंश्योरेंस से कवर अप होते हैं, सबसे पहले आपके फैमिली को बताइए कि ये इंश्योरेंस है, इसका ये कवर अप है, इसको ऐसे क्लेम करना है, क्योंकि दोस्तों हम तो चले जाते हैं, ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद हमारी भी फैमिली मतलब ऐसे कष्ट भोगे जो हम नहीं चाहते, क्योंकि हम कमा हमारी फैमिली के लिए रहे हैं, और ये सब चीजें उनको बताना जरूरी है। पूरा आर्टिकल दोस्तों आप मेरी वेबसाइट www.digitalhelper.in पर पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।